दोस्तों यमा सुबह सुबह बड़े प्यार से बेटे को उठाती है और बेटे के लिए नाश्ता तैयार करती है। इधर बेटा जैसे ही मोबाइल में टाइम देखता है फौरन ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। माँ नाश्ता लेके आती है मगर बेटा बिना नाश्ता किए ही चला जाता है। बेटे के जाने के बाद माँ रेडियो पे बेटे की आवाज़ सुनती है क्योंकि इनका बेटा रेडियो स्टूडियो में काम करता था। बेटा रेडियो पे कहता है, दोस्तों आज मदर्स डे है और आप सभी लोगों को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इधर माँ देखती है कि बेटा आज अपना लंच बॉक्स भी घर पे ही भूल गया था, तो वो बेटे को फोन लगाती है मगर बेटे का फोन घर पे ही था। माँ बहुत दुखी होती है। इधर बेटा जैसे ही रेडियो पे पहला कॉल अटेंड करता है और हेलो कहता है, फोन से आवाज आती है, हेलो बेटा मैं माँ, तू फोन घर पे ही भूल गया, कब से फोन कर रही हूँ, तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया और लंच बॉक्स भी घर पे ही भूल गए। बेटा तुम्हारे लिए खाना भिजवा दिया है और आज मदर्स डे है ना, तो तुम्हारे लिए खीर और पूरियां बनाई हूँ, शाम को जल्दी आना। ठीक है रखती हूँ। माँ की बातें सुनकर सभी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों एक माँ ही है जो निस्वार्थ मन से अपने बच्चों की फिक्र करती है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें।